अफजलिया जो सिलसिला हम लोगों का है उसके आदाब क्या हैं, इसको जरा सा ध्यान दिया जाए। 73 ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को फायदा पहुंचाएगा, फ़ायदा पहुंचाएगा ही, उस लेकिन पे हम लोग को अमल 33 पैरा ऐसी होना बिंदुएं चाहिए। हैं, 73 ऐसी बिंदुएं हैं जो हम लोग माने अफजलिया होने के नाते उसको अपनी ज़िंदगी में उतार उतारें। है गौर किया जाए इस पर थोड़ा। जी जी पहला चीज़ जो अनकोट किया गया है वो है हक परस्ती पर चलना। हक परस्त हाँ, हक परस्ती पर चलना पहला चीज़ है, हक परस्ती पर चलना। फर्ज परस्ती और हाँ, नफ्स परस्ती, हक परस्ती करना। हक परस्ती मतलब क्या? कोई फर्ज परस्ती और झूठा परस्ती नहीं, हक हक परस्ती परस्ती पर चलिए, नकल परस्ती से इज्तनाब करना। दूर नकल परस्ती से एकदम दूर रहना है, हक परस्ती पर चलना है। तीसरा है रयाकारी से बचना। देखा जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे रहना। वो सब ढर्रेबाजी को बंद कीजिए, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो कीजिए ना, है ना। अब दिखना यानी हो कि तो बस एकदम रयाकारी जिससे साबित हो, जिससे चीज़ हम लोग दिखे कि रिया हो रहा है, वो सब से बचना है, दिखावा से बचना है, दिखावा नहीं करना। चौथा, आला तबके का अखलाक व मोहब्बत रखना। यानी कि खाली कट से मेंटेन कर रहे हैं, नहीं, आला तबके का अखलाक व मोहब्बत हो। दिल से हाँ, दिल से। हाँ, दिल से मतलब ये होगा कि नहीं कि हाँ जबरदस्ती अब आप दावत दे रहे हैं, जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं, वो सब की जरूरत नहीं है। दिल से इखलास हो, तो इखलास हो तो कोई जरूरत नहीं, खाना नहीं भी खाएंगे, दावत में नहीं भी जाएंगे, तो भी अखलाक है वो, ऐसी बात मत समझिए। तो इस सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कटसी, फॉर्मेलिटी, रयाकारी, ढर्रेबाजी, ये सबसे दूर रहने का तालीम हमेशा दादा देते थे। पांचवा, तवक्कल और अखलास पर कायम रहना। तवक्कल और अखलास अपने अंदर लाने का प्रयास कीजिए। तवक्कल का मतलब हुआ पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा करना, और अखलास का मतलब ये हुआ कि नीयत में पाकी हो, कोई मिलावट और कोई मफाद नहीं। यानी कि हाँ भाई इस काम से एक पंथ दू काज नहीं कीजिए, होता है ना कभी कभी ऐसे कर ले रहे तो ये भी हो जीते वो हो जीते वो हो जीते, ये इखलास नहीं हुआ, है ना। इखलास नियत में सफाई हो, इन बिलोस मोहब्बत हाँ, में मोहब्बत बेलौस हो कोई भी अमल आपका और बेलौस हो, सफाई होनी चाहिए उसके अंदर। छठा है फकर व फाका में ज़िंदगी बसर करना, अच्छा समझिए। माल दौलत के लिए ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। दादा हुजूर कहा करते थे कि फकर व फाका सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें आदमी बहुत ज़्यादा तरक्की करता, इंटरनली ग्रोथ ज्यादा होता है। इंटरनली ग्रोथ जितना फकर व फाका से होता है मालदारी में नहीं होता है। हालांकि मालदारी बहुत बुरी चीज़ भी नहीं है, उसको अगर आप मेंटेन करना जानते हैं तो अच्छी है, लेकिन लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर माना गया है फकर फाका को। तो फकर फाका का ज़िंदगी। सातवां है इल्म इरफान को हासिल करना। इल्म इरफान तो समझिए रहे हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में, है ना। हाँ, इल्म इरफान उसी इल्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की पहचान का जिक्र हो, अल्लाह की पहचान का बयान हो, मार्फत का बयान हो। अभी हम लोग नगमा भी सुना रहे थे, मैं इरफान है पी लेने दो, है ना, उसको हम लोग शराब बना के पी भी रहे थे, है ना। तो इल्म के तीन अकसाम होते हैं, इल्म अशिया, इल्म मजहब और इल्म इरफान। दुनियावी इल्म हम लोग जितना कुछ पढ़ते हैं वो इल्म अशिया में आता है, अगर मजहबी चीज़ सीखते हैं तो इल्म मजहब में आया, लेकिन एक तीसरा प्रकार का जो इल्म है वो इल्म इरफान है, इसको हासिल करना करने की ज़रूरत है। इल्म तो हासिल करना है, लेकिन कौन सा इल्म हमको फ़ायदेमंद दे होगा? इल्म इरफान ही ऐसा इल्म है जो हमको मरने के बाद भी काम आएगा। जी हाँ, दुनियावी इल्म हमको कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए इल्म इरफान को हासिल करने की ज़रूरत है। आठवां है कट्टरपंथियों और मौलवी मुल्ला से दूर रहिए। कट्टरवादी के चक्कर में मत पड़िए, वो बहुत खतरनाक होता है, लकीर का फकीर नहीं बनिए। बहुत ज़्यादा जो है जिसको कहते हैं कि एकदम कट्टरवाद है, उस सब से हम लोग को बचने का बताया गया है। चूँकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग
वैशनका वाला में नहीं रहे तो अच्छा है, सबसे दूरे रहिए। हाँ हम लोग सूफीवाद से मुंसलिक हैं, सूफीवाद में चलना चाहते हैं, उसमें सूफीवाद ही हम लोगों का समझ लीजिए कि तरीका है, इसलिए हाँ कोई नहीं देखते हैं कहीं नहीं, कोई जरूरत ही उसको नहीं, सबसे अलाय बलाय से हाँ उसको मतलब नहीं है, सब कट्टरपंथी और मौलवी मुल्ला से दूर रहिए, और अपना चिंता और अपने आकबत का फिक्र ज़्यादा कीजिए, उस समय नहीं फंसी। अगला है अमीरों के सोहबत से दूर रहना, तो उसमें भी था हम लोगों का गुमनामी की ज़िंदगी को बेहतर समझना, ये हमारे अफजलिया सिलसिला का एक बेहतर है। गुमनामी की जिंदगी मतलब समझ रहे हैं, जो भी जानते हैं उसको छुपाइए। नहीं 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 गुमनामी का मतलब वो नहीं हुआ, अपने आप को जग जाहिर नहीं कीजिए कि जो हमारे अंदर इल्म है उसको हम अपने पास रखें, ज्यादा दूसरे को दीजिए, दूसरे को लाइए, दूसरे को दीजिए, वहाँ तक सही है। अपने आप को कम मशहूर कीजिए, शोहरत नहीं कीजिए, शोहरत कमाने की जरूरत नहीं है, ये अलग बात है कि कुछ ना कुछ शोहरत हम लोग का हो ही जाएगा, हो ही जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन कोशिश नहीं हो उसका कि हमको दुनिया जाने, नए टारगेट नहीं रखे तो उसके लिए दुनिया कैसे किस हालत में आदमी ज्यादा जानता है, ज्यादा जाइएगा बड़ा बड़ा इनमें तो जानेगा आदमी नहीं जाएगा, बड़ा बड़ा मजालिस में जाइएगा, हेडलाइन बनिएगा, मीडिया में जाइएगा तो दुनिया ज़्यादा जानेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर हम लोग जाते हैं तो उसका मकसद ही नहीं कि दुनिया हमको जाने, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि हमारे संस्था को हमारे हजरत के तालीमात लोगों तक पहुँचे, तो ये टारगेट नहीं है कि दुनिया हमको जाने, ये मकसद उसमें गुमनामी है, लेकिन देखेंगे कि ज़्यादा गुमनामी ख़त्म हो रहा है उसमें तो उसको हम लोग ब्रेकअप भी कर देंगे, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है वो, बहुत ख़राब जो भी ऐसे गुमनामी चल रहा है, ऐसे भी सोशल साइट बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है, समझे कि नहीं। तो बहरहाल तो गुमनामी को पसंद किया जाए, ज़्यादा हाईलाइट होने की ज़रूरत नहीं हम लोगों को। 11वां है कुरान की आयतों में गौर फिक्र कीजिए, कुरान की आयतों में गौर फिक्र कीजिए, हाँ हर कुरान कुरान जो पढ़ते हैं उसको पढ़िए, समझिए भी और गौर फिक्र कीजिए। अगला है झूठी हदीसों से बचिए, हदीस मार्केट में बहुत है भाई, हाँ इसलिए झूठी हदीसें तो कैसे बचिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि झूठी है कि सच्ची है, हाँ उसके लिए आपको तस्दीक आपकी खानका करेगी, आपका खानका जो है तस्दीक करेगा, तो हमारा खानका जो है तस्दीक करेगा कि कौन सी हदीस सही है कौन सी हदीस गलत है। और एक उपाय और उसका बता देते हैं, औलिया अकराम की किताबों में जो हदीसें आई हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मौलवी साहब के किताबों में ज़्यादातर जो मिलेगा आपको झूठी हदीस ही मिलेगा। अगला है अहले अल्लाह की सोहबत अख्तियार करना, अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार कीजिए, दुनिया वालों की नहीं, हाँ दुनियादारों की नहीं बल्कि अल्लाह वालों की, जिससे जिस आदमी से आपको लगे कि हाँ इसके पास बैठने से अल्लाह का याद आता है अल्लाह का फिक्र होता है उसकी सोहबत में बैठा कीजिए। जिस आदमी के पास बैठने से खुदा याद आ जाए उसके पास बैठा कीजिए, और अगर वैसा आदमी को मिले जो वाकई अल्लाह वाला है तो उसके पास जरूर बैठिए। इल्म मार्फत की गहरी गौवासी कीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठ के भी जो चिंतन करते हैं ये गौवासी है, दादा हुजूर के तालीमात में शामिल था इसलिए हमें उसको बाहर लाया और बढ़िया भी है, सबको फायदा करता है, मैंने जो बात हम लोग सीखते हैं उसमें है मंथन अगर करें तो कुछ ज़्यादा बात खुल करके सामने आएगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ सकेंगे, उसके लिए ज़्यादा कंसियस हो सकेंगे। अगला है इश्क इलाही में गर्क रहना, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा डूबने की ज़रूरत है, इश्क इलाही पैदा करना, दादा हुजूर का तालीम में से है कि इबादत उबादत के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ो और रियाजत के चक्कर में भी ज़्यादा नहीं पढ़ो, इसको मोहब्बत का तरीका अख्तियार करो, इसको मोहब्बत का तरीका अख्तियार किया जाए, क्योंकि ये रास्ता जो है इश्क मोहब्बत का बहुत अच्छा होता है, इस रास्ते से जल्दी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। इश्क रसूल का पुरजोर असर रखना, अब दोनों चीज़ को अलग करके क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे भी पॉइंट है, बहुत सी खानकाहें जो है इश्क रसूल को इसके खुदा का नाम दे करके मोहर लगा देती है, लेकिन हमारे यहाँ वो बात नहीं है, हमारे यहाँ इश्क रसूल और है इश्क खुदा और है, दोनों चीज़ों को दोनों पैराए से लेकर समझना है, गो के एक दूसरे का आईना है, एक दूसरे से मुंसलिक है, लेकिन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझने की ज़रूरत है ना भाई, इसको समझिए। हम
इसके रसूल का पुरजोर असर होना चाहिए, इसके लाही भी हो और इसके रसूल भी हो। औलिया अल्लाह से और फातहा से वाबिस्ता रहना। अल्लामा इकबाल एक छोटे से शेर में लिख दिए हैं कि बेवस्ता रहा सजर से उम्मीदें बहार रख, मिल्लत के साथ राबता अस्तवार रख, बेवस्ता रहा सजर से उम्मीदें बहार रख। मतलब पेड़ से जब तक जुड़े नहीं रहिएगा तो पत्ती हरा कैसे रहेगी आपकी? बाहर आया और आपका पत्ता टूटा हुआ है तो आप तो बाहर आवेगा, कितना पानी पड़ेगा तो आप हरा नहीं होइएगा। लेकिन अगर उस दरख्त के किसी न किसी साग से अगर आप जुड़े हुए हैं, बाहर आ गया तो सरसब्ज हो जाएगा, हरा हो जाएगा पत्ती आपका। कहा कि आप जुड़े रहिए, मुंसलिक रहिए। तो मुंसलिक रहने का क्या तरीका है? मुंसलिक रखने के लिए आपके पास एक हथियार है, वह है फातहा। अगर आप रोजाना फातहा करते हैं तो आप उन लोगों से जुड़े हुए हैं, आपका सलाम उनके पास जा रहा है, उनका जवाब भी आपके पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनली आप इंटरकनेक्ट होते रह रहे हैं उन लोगों से। तो ये फातहा क्या है? हमको उन लोगों से जोड़े रहता है, औलिया अल्लाह से जोड़े रहता है। हालांकि दूसरे एंगल से उसको अगर गौर कीजिए, जो फातहा हम लोग ईजाद जो हुई फातहा को, फातहा का जो ईजाद हुआ वो देखा जाए तो मुकम्मल कहिए कि नमाज को निकाल करके फातहा बना दिया गया। देखा जाए अगर उसको दूसरे तरीके से आप देखिए रिसर्च वाली निगाह से, जो काम नमाज में नहीं कर पा रहे हैं आप, वो काम इसमें आप कर रहे हैं। इसलिए कि नमाज में देखिए सूरह फातहा है, आप सूरह फातहा इसमें पढ़ते हैं ना, नमाज में सलाम है ना, दुरूद है ना जी, यहाँ भी दुरूद पढ़े होगा नहीं होगा। बेहतर से बेहतर नमाज में कुलुल्लाह का जिक्र आता है, कुलुल्लाह आवाज को पढ़ना है, फातहा में कुलुल्लाह आवाज मस्ट है जी, है ना। तस्बीह बेहतर से बेहतर पढ़ने का हुक्म है नमाज में, यहाँ भी बढ़िया से बढ़िया आयत पढ़ने का हुक्म है। मतलब ये हुआ कि उस चीज को, उस फॉर्मेट को बुजुर्गान दीन ने हाँ मतलब चेंज करके, नाम बदल करके फातहा रख दिया। अगर देखा जाए हम, अगर ये बात कह दें हम कि अगर आप नमाज नहीं पढ़िए फातहा पढ़ने से आपका काम हो जाएगा तो हम गलत नहीं होगा। अगर हम ये बात कह दें कि नमाज नहीं पढ़ कर सिर्फ फातहा ही पढ़िए तो वो आपका उसके बराबर है, तो ये बात गलत नहीं होगा हकीकत के मानों में देखा जाए तो जी। लेकिन चूंकि वो एक मुहर लगा हुआ है कि भाई ये सुन्नत है, ये फर्ज है, तो उसको हम लोग ढो रहे हैं। लेकिन सही मानों में देखा जाए तो उसके मगज को निकाल करके बुजुर्गों ने फातहा को बनाकर रख दिया जी, है जी, तो इस तरीके से इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए दादा हुजूर कहते हैं कि औलिया अल्लाह से और फातहा से हमेशा वाबस्ता रहिए, हो सके तो रोज पढ़िए और नहीं हो सके तो हफ्ता में जरूर पढ़िए, मगर पढ़िए, जुड़े रहिए, फातहा को नहीं छोड़िए, है कि नहीं? घरेलू जिंदगी को मियाना रवि से गुजारिए, घरेलू जिंदगी भी जिए। इन्हें कि एकदम घर छोड़ के भाग जाइए, है ना, एकदम पागल मत हो जाइए, घर छोड़ देना, दुनिया तर्क कर देना सब। बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुत से अब तो एकदम अल्लाह वाला हम हो गए भाई, हमको अब घर उड़ से कोई मतलब नहीं है। इसके इलाही और इसके रसूल का पूरा असर होना चाहिए, औलिया अल्लाह और फातहा से वाबिस्तगी होना चाहिए। अगला है क्या? घरेलू जिंदगी को मियाना रवि से गुजारना, मियाना रवि से गुजारना, मियाना माने वही दरमियान, बीच बीच वाला, डूबे रहिए ना पूरी तरह, डूबे रहिए ना छोड़े रहिए। 19वां है मकसद, मकसद इबादत और रियाजत को समझना। इबादत करना मकसद नहीं, रियाजत करना मकसद नहीं होना चाहिए आपका, मतलब बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि इबादत और रियाजत हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, गौर फिक्र होना चाहिए, हाँ उस पर ध्यान होना चाहिए। मकसद इबादत और रियाजत पर आपका ध्यान होना चाहिए, किस वजह से? इसलिए कि जब मकसद को समझिएगा, मकसद इबादत और रियाजत को समझने की जरूरत है। इबादत करना खाली मानी नहीं रखता है, किए जा रहे हैं। अगला है मजीद इबादत और रियाजत और चिल्ले से बचना। बहुत ज्यादा इबादत और खूब ज्यादा रियाजत करने की जरूरत नहीं है भाई, कम है यो, ऐसा लोग है भी नहीं है, बहुत से लोग होते थे पहले जमाने में। अमल से ज्यादा मकबूल अमल पर अमल करना, अमल तो बहुत है दुनिया में करने के लिए जी, मगर ये सोचिए कि कौन सा ऐसा अमल करें जो जल्दी मकबूल हो जाए, कबूल जो हो जाए वो करना चाहिए साहब। करने को तो बहुत काम बड़का बड़का करने का है नेकी का,
लेकिन कुछ ऐसा काम को खोजिए और ढूंढिए कि जिसके करने से जल्दी कबूल हो जाए। दंगल जल्दी मार दीजिए, पीर की नजर में आपका जल्दी ज्यादा ये हो जी और आप जो है उसके रास्ते में आगे जल्दी से ज्यादा से बढ़ सकिए, उसके लिए क्या करिए उस पर आपका ध्यान होना होना चाहिए। चाहिए। मकबूल अमल पर अमल ध्यान होना चाहिए जनाब। अमल तो बहुत है दुनिया में, मकबूल अमल क्या है अभी बात होगा। राज खिलकत इसरार इलाही और हिकमत को समझना। राज खिलकत को समझना का चाहिए, इसरार इलाही पर गौर हो, हिकमत पर गौर हो, फितरी तौर पर जीना और फितरत इलाहिया को समझना। फितरी तौर पर जिए, जैसे अभी हजरत बोल के चले गए जनाब कि फलाना सिलसिला कहता है कि शादी नहीं करना है, शादी नहीं करेंगे तब हम इस रास्ते में पार लगावेंगे, मैं तो हम पार नहीं नहीं लगावेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। फितरत और फितरी तौर से जो है अपनी जिंदगी गुजारिए, है ना। हाँ, फितरी तौर से गुजारिए, आप कोई ये नहीं समझिए कि हम ऐसा करेंगे तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तभी ऐसा होगा, नहीं होगा। बात समझना रहे ना। जी फितरी तौर पे रहिए, नेचुरल रहिए बिल्कुल। तज़किया नफ्स और तस्फिया रूह करना, इस पर हम लोग अगले बार भी चर्चा किए थे कि नफ्स की सफाई हो और दिल की सफाई हो, रूह की सफाई हो, इसके बारे में अभी चर्चा हुआ सुबह में कि जाहिरी भी हो और बातनी भी हो, मैं हुआ था। हाँ, तो उसी को कहते हैं तज़किया नफ्स और तस्फिया रूह। दिल की धड़कनों और सांसों में जिक्र कायम करना है। वही जो जिक्र मतलब यहाँ जो जिक्र होता है वो होगा, आप जलिया घराने में जो जिक्र है आगे चल करके मिलेगा आप लोगों को, वो धड़कन में और सांसों में से जरिए से जिक्र किया जाएगा। मकसद हयात तो हुसूल जिंदगी को हासिल करना है भाई। मकसद हयात और जिंदगी का जो हुसूल है, जो मकसद है, उसको हासिल करना हमारा मकसद होना चाहिए और उसके लिए हमको तगोदो करना है। जाहिरी जोहद तकवा से बेपरवाह रहना। जाहिरी जोहद तकवा मतलब जी हाँ हाँ, मान दिखाने वाली जो परहेजगारी है और जो तकवा है कि भाई हम ऐसा दिखावेंगे, हमको लोग देखेगा तभी हम नमाजी होंगे, हमको रोज देखेगा और रोजा रखते हुए तभी हम रोजेदार होंगे, इससे बचना है, इससे बेपरवाह रहिए। बेपरवाह रहने का मतलब क्या कि दुनिया अच्छा कहे बुरा कहे भैया हमको उतना फिक्र नहीं करना है, हमको जो करना है सो करना है, दुनिया का ज्यादा चिंता फिक्र नहीं करना है। अगर दुनिया का फिक्र दादा बहुत करते तो आज ये खानकाह भीड़ों से भरा होता। जी दुनिया का अगर फिक्र करते, लोगों को खुश करने के फेरा में रहते हैं, तो ये खानकाह में हम लोग गिने चुने लोग नहीं होते, बल्कि आज दहाम रहता, इतना आराम से हम लोग इतना आराम से हम लोग नहीं रहते। समझ रहे बात। जी जी हाँ, मतलब जाहिरी जोहद तकवा नहीं दिखाए लोगों को। बहुत मुत्तकी बहुत परहेजगार थे ऐसी बात की नहीं, लेकिन लोग जो है जनता आम पब्लिक जो है उनको नहीं समझ सकी, जी दादा नहीं ध्यान नहीं देख सकी। किसी भी पाबंदी में हरगिज ना रहा, दादा कहते थे आजाद रहा करो जी, आजाद रहा करो, ज्यादा पाबंदी भी ठीक नहीं है, अपने आप को ज्यादा मत बांधिए, ऐसा कुछ नहीं कीजिए। तस्वुर पीर में हमेशा रहना, पीर के तस्वुर में रहना है, हर मजहब की हकीकतों को तस्लीम करना। वो जमाना लद गया कट्टरपंथी वाला, ये मत समझिए कि बौद्ध धर्म जो कह रहा है सब गलते हैं, जी नहीं, या जैन धर्म जो कह रहा है सब गलते हैं, जी बहुत सी चीजें जो है दूसरे मजहबों में भी बेहतर है, उससे सीखिए और उसको लीजिए। इसलिए कि जो है तसव्वुफ आज का नहीं है, आदम अलैहि सलाम के जमाने से सहीफा उतर रहा है, तसव्वुफ की बात आ रही है और वो भी कुरान का हिस्सा है, बाहर नहीं है वो। जी यहाँ पर ये बात जहन में आ गया, उसको कहते चले कि कुरान जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है रहने दें, वो क्या समझते हैं कि सारा आयत तब ये उतरा है, जी ना वो सब तो पहले 1400 बरस पहले रसूल अल्लाह पर उतरा खाली, जी नहीं, उसमें से 50% से ज्यादा, बल्कि कई 80% आयतें पहले के पैगंबरों पर उतर चुकी थी, सिर्फ रसूल अल्लाह पर दोहराया गया। और यही वजह है कि कई जगह पर कहा गया क्या तुमको याद नहीं है वो चीज,
क्या उस पर हमने ऐसा नहीं किया था और कहानी सुनाया कि उसको ऐसे किए थे, उसको ऐसे किए थे, हमने उसको ये खबर भेजा था, उसको हमने ये वही उतारी थी, इसका मतलब वो वही और वो बात पहले भी लोगों पर आया है, तो उस चीज को यहाँ रिवाइज उनको करके सुनाया गया, इसका मतलब क्या हुआ, गौर कीजिए, पॉइंट की बात है। इससे पता चलता है कि कुरान भले जमा भी हुआ है इनके पर सारा बात, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है दूसरे पैगंबरों पर भी आया था, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के रसूल अल्लाह के जमाने तक तालीमात जो है धीरे 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 किसी पर 2 आयत, किसी पर 10 आयत, किसी पर 5 आयत हुक्म आते रहा, और वो सारा कलेक्ट होकर के रसूल पाक पर आकर के इख्तिसाम हो गया, बिल्कुल मुहर लग गया कि अब खत्म हो गया, अब कुछ कहना नहीं है, जो कहना था सब कह दिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इससे पता चलता है कि अगर आप देख रहे हैं कि हम गीता की बात सुन रहे हैं या मान लिया कहीं और की बात, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हिंदू हो जाइए, ऐसा नहीं कह रहे, मतलब समझिए कि मुमकिन है कि उस ग्रंथ में वो सहिपा का कुछ अंश हो, कुछ अंश हो, हाँ भले वो चेंज हो गया, कुछ बदल गया, उसको मूर्ति पूजा में लोगों ने उसको जो है ढाल दिया या गलत मानी निकाल दिया, चूंकि इतना जब 1400 वर्ष में इतना तब्दीली है भाई, तो 10,000 या 20,000 साल पहले वाला जो सहिपा था उसमें कितना तब्दील होगा सोचने की बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप हर मजहब की हकीकतों को तस्लीम कीजिए और गौर कीजिए उसमें, आप गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि दूसरे मजहबों में बहुत सी बात ऐसी है जो सीखने लायक है, सिखा जा सकता है। हाँ, एक आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करना है, कोई खासियत रखने की जरूरत नहीं है, ये बात तो उसमें भी हम लोग पढ़े हैं कादरिया सिलसिला के औसाफ में भी, हर हाल में फकीरी को तरजीह देना, हर हाल में, फकीर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, पीर से भी बड़ा फकीर होता है। वो कैसे हम लोग पढ़ते थे याद है बोला, हद पिए तो अवलिया, बेहद पिए तो पीर, हद बेहद दोनों पिए तब जाके बने फकीर, हद बेहद दोनों पिए तब फकीर, तब जाके बने फकीर लगता है। तो यहाँ पर फकीर को तरजीह देना है, फकीर चूंकि दादा हुजूर खुद एक फकीर थे, अपने आपको कभी पीर साबित नहीं किए, कभी नहीं, कुछ नहीं, एकदम नहीं, ना पीर साबित किया और ना कुछ साबित किए, ना शेख अपने आप को समझते थे कभी, देखिए लबास फकीराना, देखिए ना जरा सामने में है, जानत कर लीजिए ना कौन एंगल से लगता है पीर साहब, देखिए जरा सही बात, इसी एंगल से लगता है शेख साहब, न जुब्बा न पगड़ी, ये तो अब्बा हुजूर का अपना एक ये है रंग है और ये सूफी साहब का दिया हुआ रंग है कि भाई चलिए आप थोड़ा सा रहिए पीर बन के, और गौस पाक का चीज है वो जुब्बा में रहना और महंगे कपड़ा पहनना, गौस पाक खुद किया करते थे उस काम को, इसलिए कादरी रंग उनमें ज्यादा है इसलिए पहनते हैं, उनके लिए रवा है, लेकिन ये आप ज्यादा कादरी रंग में कम दिखते थे, ये अपना रंग रखते थे। इन पर देखा जाए अगर मुआयना करके तो वारसिया रंग थोड़ा सा गालिब था, वारसिया मिस्किनिया फकीराना रंग थोड़ा गालिब था, लेकिन थे तो कादरी है ना भाई, इस तरीके से जो है फकीरी को तरजीह, दीन की बुलंदियों को छूने की कोशिश करना, दीन की बुलंदी को छूइए, अल्लाह की कुर्बियत और रजियत ढूंढिए, है ना, अल्लाह की कुर्बियत और रजियत ढूंढिए, फिर हम नहीं रहिए जन्नत कैसे जाएंगे, ये फिर हम रहिए कि अल्लाह को कैसे राजी करेंगे। हाँ, सिर्फ कुर्ब ही नहीं बल्कि वसलत की तलब रखिए, कुर्बियत और चीज होती है, वसलत और चीज होती है, दोनों अलग अलग दर्जा है, है ना। दीदार लाही की तमन्ना दिल में रखिए, दीदार लाही की तमन्ना दिल में रखने की जरूरत है, हमेशा ये शौक पैदा रखिए, दादा कहा करते थे कि हमेशा शौक रखो, अल्लाह ताला को देखने का शौक रखो, देखें उसको ऐसा शौक रखो, कहते थे बेलका है रब्बहिम यूमिनून, यह तो बड़ी पढ़ते थे जब कहता, अल्लाह को देखने का शौक पैदा करो, अल्लाह को देख कर ईमान लाओ, है बेलका है रब्बहिम यूमिनून, तुम अपने रब को देखने के देखने पर ईमान लाओ है, मोमिन हो तो, हाँ अगर तुम मोमिन हो तो। उसके बाद है खुदा को अपने असली सूरत में देखने की आरजू रखना, खुदा को देखने की आरजू रखना है कि भाई एकदम डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल शक्ल दिखाइए, कसा फुकरामत से परहेज रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, तन्हाई अख्तियार करना, ये हम चलिए ताली में भाई, ज्यादा भीड़ भाड़ में रहने की जरूरत नहीं, एकदम तन्हा रहिए, साइड रहिए, अकबाल साहब भी इस पर लिखे हैं, ये दौर नुक्ताची है कहीं छुप के बैठ रहा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ रहा, दर्द दिल को कहा, दर्द इश्क को कहा है कि ये दौर नुक्ताची है, चूं चरा करने वाला दौर है, इसलिए क्या जरूरत है किसी को ज्यादा कहने सुनने सुनाने की,
अरे ठीक है, जिस दौर ये दौर नुकता ची है कहीं छुप के बैठ रहा, जिस दिल में तू मक्खी है वहीं छुप के बैठ रहा। छुपने का आदत डालिए, छापने का आदत कम डालिए, लेकिन हम लोग छापे गरम रहते हैं, है ना। तो जाहिरी शरीयत का एहतराम करना हो तो उसमें भी हम लोग पढ़े हैं, एहतराम कीजिए। और एहतराम करने का मतलब ये नहीं कि एकदम में नदारत कर दीजिए और उसका बैड ये आवे तो ठीक बात नहीं, एहतराम भी हो। और जो कन्फ्यूज़न अगर आपके घर में किसी से पैदा हो रहा हो तो उसको साफ कीजिए, उसको समझाइए, बताने का प्रयास कीजिए। तो मालूम हुआ कि आपको घर वाला गुमराह घोषित कर देगा, नहीं आप अपने घर वालों की नज़र में नहीं गिरिए, जी और अगर गिर रहे हैं तो ऐसा उठिए कि वही गिर जाए, तो न हो बात भाई। सही बात। अगर गिर रहे हैं तो उसको कहिए कि साबित करके दिखाओ कि तुम्हारा रास्ता अच्छा है कि मेरा रास्ता हाँ, अच्छा है, और उसको समझ में पटक हो दीजिए, जाएगा तब थोड़ा। जाने। हाँ, अगर आपको उसको पटकने की सलाहियत नहीं है तो फिर हार मान लीजिए और फिर वो जैसे कहता वैसे कीजिए, पूरे रंग में रहिए उसका, है भाई क्या। हाँ और नहीं तो फिर उसको आप साबित करके बता दीजिए, उसका भी आँख खुल जाए, तो हाँ कल के डेट में वो आपके लाइन पर आ जाएगा, फिर जी तभी ना जी आएगा। हाँ तो आप एकदम उसको अगर जीतिएगा भी नहीं तो फिर तो हारना ही पड़ेगा ना, नहीं या उसको तो हारना जीतिए या तो हारिए, नहीं। है भाई वही चीज है। तो एहतराम भी हो और इस्तदलाल भी हो, किसी को अपने दरवाजे से खाली ना जाने देना। खाली नहीं, ना हाँ जी हाँ, अपने दरवाजे में कोई आता हो तो उसको खाली नहीं जाने दिया जाए, उसको कुछ दे के ही भेजना चाहिए, है ना भाई। जी हाँ हाँ, किसी जालिम से जुल्म का बदला ना लेना, कोई जुल्म अगर आप पर करता है तो ये तालीम अलविया तालीम भी है और हमारे यहाँ का भी अफजलिया तालीम में बताया गया है कि आपको उससे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बदला नहीं लीजिए उसका, बदले की भावना नहीं बदले की होनी। भावना मत रखिए। अल्लाह ताला बदला उससे ले लेगा, नहीं लेगा चाहे मत लेगा, क्या ज़रूरत है। जब मौला अली मुश्किल कुशा अपने पर उन पर जिसने हमला किया था, इब्ने मुल्जिम, मुल्जिम ने इब्ने मुल्जिम जब तलवार मारा था आपके सर पर गर्दन पर, तो जब घर ले जाया गया आपको तो सबसे पहले शरबत उसी को पिलाया गया, जहां पर जिसके खानदान में दुश्मन को शरबत पिलाया जाता हो कातिल को, वहां बदला लेने का तो कोई अवधारणा ही नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है, है? तो अगर अपने आप को हम अलवी कहते हैं या अफजली कहते हैं तो हमको तो कुछ ना कुछ रंग अपने आप में लाना है भाई। तो इस तरीके का व्यवहार हम लोग को सीखना है, और बहुत सा चीज़ हम लोग नहीं आता है तो सबको बदलेंगे धीरे धीरे। हाँ गाली सुन के भी खामोश रहना, कोई आपको गाली दे रहा हो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर हो सके तो मुस्कुराइए। हजरत अली का कॉल है कि मोमिन कभी बदला नहीं लेता और मोमिन हाँ कभी गाली नहीं गाली नहीं देता। देता, हाँ दोनों चीज़ उसका ही और है। मोमिन है तो गाली नहीं दीजिए। हाँ तो गाली गलौज का बिल्कुल जबान हटा दीजिए, तो मतलब कहने के का गलत अल्फाज का इस्तेमाल, वही ना गाली होता है, गंदा अल्फाज का इस्तेमाल गाली होता है, वो नहीं कीजिए, है ना। तमाम लोगों के साथ हिल्म और आफू का मामला रखिए, सबके साथ नरमी से पेश आई आना है, और सबको माफ़ करने का जज्बा रखिए, ना कि एकदम भावना रखे हुए कि ऐसा कर के हल तो एकदम हम देखना नहीं चाहोगे, गलत बात है, क्या है। ठीक है, अगर आपके बोलने से गुस्सा होता है तो ठीक है, आप उसे नहीं बोलिए अलग बात है, लेकिन अपने मन में उसके प्रति भावना गलत नहीं रखिए, जज्बात आपका पाक हो, जज्बात आपका, क्योंकि आदमी, इसलिए दादा कहा करते थे कि आदमी बुरा नहीं होता है, वो आदमी का कर्म बुरा होता है। तो उसका अमल से नफरत रखिए, आदमी से कहा नफरत रखता है। मौत से बेपनाह मोहब्बत रखना, किससे मोहब्बत रखना है? मौत से मौत बेपनाह से मोहब्बत। मुस्लिम है अल सवार, मारे मरने को तैयार। दादा जो मौत से डरते हैं मुसलमान नहीं है, हाँ मुस्लिम है मगर साहिब ईमान, दादा लिखे हैं नहीं। अपने अल्फाज में कहते हैं कि मौत से मोहब्बत रखिए, मोहब्बत, मौत से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि जब मौत का नाम लिया जाए तो बड़ा अच्छा लगे आपको, और उसको अजीज रखिए कि जितना जल्दी मौत, देखिए ये बात किसके अंदर पैदा होगी, जो तैयारी करके रहेगा वही ना, जी और जो आदमी तैयारी करके नहीं है मौत का उसको तो डर लगभग करेगा। ये बात इस बात को साबित करता है कि मौत आपको उसी वक्त अजीज होगा साहब जब आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। जैसे हम परीक्षा के जब तैयारी मुकम्मल किए हुए परीक्षा जाने हमको डर क्या जी, लेकिन जब तैयारी नहीं है तो डर लगता है, पता नहीं क्या होगा कैसे लिखेंगे, है ना। तो मौत से बेपनाह मोहब्बत रखिए, रखना है। इमाम मेहदी के जहूर का इंतजार करना, तब तक बचेंगे, इंतजार कीजिए, जब तक बचेंगे तब तक करें। कभी भी
इमाम मेहदी जहूर होगा उसका इंतजार रखते थे, हम लोग भी इमाम मेहदी का जहूर का इंतजार रखते हैं, इसलिए कि हम लोग इमाम मेहदी के मानने वाले हैं। आला तबके के सब्र कनायत रखना, सब्र कनायत छोटे मोटे को नहीं, हाँ सब्र कर लिया नहीं, आला तबके के अंदर सब ये कनायत रखिए। शहादत की तमन्ना दिल में रखना, शहादत की तमन्ना दिल में रखना। हुसैनी ने जी तो हुसैनी रंग नहीं रहेगा, हुसैनी रंग रखिए अपने अंदर। इमाम हुसैन कहते हैं कि जब जिस्म को फना ही है, जिस्म को मरना ही है, तो बेहतर है कि शहीद हो के मरे। इमाम हुसैन कहते हैं, अरे जब मरना है ही है किसी करके, तो उससे बढ़िया कि बीमारी में साले को हार्ट अटैक से मरने से बेहतर है कि जो अगर मौका मिल गया शहीद होने का तो हो जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। जज्बा रखिए ऐसा है कि नहीं, शहादत की तमन्ना रखिए कि अगर मौका मिल गया शहादत का, ही नहीं कि खुरा पर से कूद जाए शहादत नहीं हुआ, या गाड़ी के नीचे आ जाए या ट्रेन से कट जाए तो शहादत थोड़े हुआ। हाँ शहादत यही हुआ कि जब आप हक के रास्ते में दीन हक के लिए अगर आप शहीद होते हैं तो शहादत हुआ है ना भाई। तो वैसा मौका अगर आपको मिल जाए तो शहीद होने में पीछे नहीं रहिए एकदम, इसलिए कि शहीद का जो मर्तबा है सबसे आला हुआ है। टेररिस्ट हो जाए बमबारी या थी क्या आत्मघाती बम लगा के उड़ जाइए, वैसा नहीं, गलत तालीम लीजिए। तो आत्महत्या ही है समझ रहे कि नहीं, वैसा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, मौत से पहले मरना यह है हम लोगों में, मौत से पहले मरने की तैयारी करना। जैसा कि तालीम मिला कि ख्वाहिशात से ये करना, अपने ख्वाहिशात को कम करना और उस चीज को हासिल करना। जुब्बा टोपी दाढ़ी इन तमाम चीजों का हमारे यहाँ ज्यादा अस्तित्व नहीं है। जुब्बा तो अब रह गया कि ऐसा नहीं कि मैंने आप आपको ये कह रहे हैं कि आप भी दाढ़ी मुड़ा लीजिए, नहीं तो ठीक है, रख सकते हैं रखिए, बेहतर है। मतलब जैसा आप अच्छा महसूस कीजिए रहिए, उसके फेरा में पड़े रहिए एकदम, उसे फेरा ज्यादा नहीं रहिए रखिए, हाँ उसके फेरा ज्यादा नहीं रहिए। टोपी और जुब्बा ये सब में ज्यादा नहीं रहना है, असल चीज की तरफ चलना है। हाँ दुर्वेशाना जिंदगी गुजारना है, दुर्वेश की तरह दादा हुजूर जैसे दुर्वेश था, दुर्वेश रहिए। दुर्वेश का देखिए मॉडर्न जमाने का बहुत अच्छा है मिसाल, अल्लामा इकबाल को देख लीजिए, दुर्वेशाना जिंदगी, अपना पैंट भी पहन रहे हैं, फुल पैंट भी पहन रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, सेमिनारों कर रहे हैं, लेक्चरों दे रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं, शायरी भी कर रहे हैं, नमाजियों पढ़ रहे हैं, रुजबो रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, मस्त रहिए, हम दुर्वेशाना रहिए सब कुछ। हाँ कभी तो ऐसा होता था कि बस बैठ गए ऐसा की नमाज पढ़ के, नमाज में करने ऐसा की नमाज के लिए पढ़े रात में बैठे और नमाज पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे, पता नहीं चला कि रात है कि दिन है सुबह हो गया, ऐसा हुआ। तो वैसा भी रहिए, कभी कभी वैसा भी हो जाइए, जैसे हम लोग कर रहे हैं, बैठ गए तो बैठ गए, क्या है उठने की क्या जरूरत है, बैठ गए तो बैठ गए, उठना क्या है जी, सोना क्या है जी। चलिए तो ये सब हम लोग का जो है एक रंग है होना चाहिए। दुर्वेशाना कमाने खाने के लिए भी दुर्वेशाना सुगल अख्तियार कीजिए, लंबा लफाफा कुछ वैसा काम मत कीजिए इसमें फंसने से आप फंस जाइए। कमाने खाने के लिए भी हल्के फुल्के रखिए कुछ चीज, छोटी मोटी नौकरी कर लिया, छोटा बहुत कुछ कारोबार कर लिया, बड़ा कारोबार बड़ा बिजनेस के फेरा नहीं रहिए 24 घंटे, हाँ नहीं तो फंस जाइएगा। वैसा ही काम ढूंढिए ना, क्या हम पूछते हैं कि जब हम रोजी देने वाला अल्लाह ताला है ये देगा, उतना माथा पेजी ज्यादा करे क्या जरूरत है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा काम कीजिए कि मतलब दुर्वेशाना सुगल रहे उसमें, और कोशिश ये कीजिए कि वैसा काम कीजिए जिसमें आप गफलत में नहीं पड़िए, काम भी ऐसा हो कि उसमें जिक्र भी चलता रहे आपका जी, आपका ध्यान भी लगा रहे, वैसा काम कीजिए जिससे सदका जारिया भी होता रहे, कुछ ना कुछ नेकी वाला काम पकड़िए ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। आगे है बड़े बड़े कारोबार वगैरह से परहेज तो हो ही गया, अपने पास कुछ पैसा का ना रखना है तो बड़ा टफ है, लेकिन इनका मसला था कि अपने पास पैसा नहीं रखते थे, अपने पास नहीं रखते थे हमेशा, या तो खर्च कर देते थे या तो किसी को दे देते थे, या तो मतलब अपने पास पैसा रखने की इनकी आदत नहीं थी, और ये अफजलिया शान है। कहता है ना बाबर आता रहता है, देखते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पर कि बाजार में पैसा लेके निकलना बहुत आसान है, लेकिन खाली जेब जरा बाजार निकलिए तब समझ में आएगा, खाली जेब निकल के देखिए जरा बाजार, खाली जेब बाजार में चलना या घर में रहना या कहीं बाहर में रहना बहुत बहुत
ताकत वाला बात है, क्या समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं, अभी नहीं समझ रहे हैं, उम्र कम है आपका, लेकिन जो ज्यादा उम्र दराज आदमी वो समझेगा। खाली जेब कहीं सफर करके देखिए आप, बस वाला 1 रुपया के लिए कैसे आपको बेइज्जत करता है समझ में आ जाएगा, और ट्रेन वाला टीटी कैसे कान पकड़ के निकाल देगा ट्रेन से, उस वक्त होश हो जाएगा कि जेब नहीं रहने से क्या होता। लेकिन यहाँ है कि खाली जेब रहना बहुत पानी लगता है, खाली जेब रहना, ऐसे भी जिंदगी में रहना, दिन भर रह जाना खाली जेब, क्या समझते, मामूली बात है? नहीं, पैसा हमेशा चाहिए जेब में, तभी रहिएगा। अगर अपरा रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात। मकरूजियत से और एहसान से बचिए, कर्जा नहीं लीजिए और दूसरे का एहसान नहीं लीजिए, ये अच्छा बात नहीं है। ये हम लोगों को तालीम है लेकिन ये होता नहीं है, हम लोगों से कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। मतलब मकरूज नहीं रहिए और कोई दे भी तो उसका एहसान नहीं लीजिए, ये तालीम हम लोगों को है। कोई देना भी चाहे आपको तो नहीं लीजिए, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ जाता है आदमी को, सब्जी होगा ऐसे इतना आसान है। अब जली बनना देख रहे हैं, आज हम लोग पूरा पुल पट्टा खोल रहे हैं, गाली आप जलिए नाम लिखा है ना, वही सब चीज अपने अंदर पैदा कीजिए, है ना, करना पड़ेगा धीरे धीरे। हाँ, एहसान करिए मगर जताइए नहीं बल्कि छुपाइए, किसी पर एहसान कीजिए जताइए नहीं छुपाइए, इन्हें कि बार बार कहते रहिए कि एहसान नहीं कर लियो, ऐसे कर लियो, बल्कि आओ कहिए कि कहाँ कुछ कर लियो, करिए भी हो कहिए कि कहाँ कुछ कर लियो, दीजिए भी पर हम कहाँ आज तक तरह कुछ ना दे लियो, आप कहिए झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ है, मगर ये करने का हुक्म है, ये झूठ बोलने का हुक्म है, एहसान कीजिए और नहीं कहिए, पूछे भी तो कहिए कि नहीं कहाँ किए कुछ नहीं, बताइए, है ना बात, बहुत कड़ा चीज है। तो ऐसे ही बनिएगा फकीर, दुर्वेश ऐसे ही बनता है आदमी, पीर बनना है का दुर्वेश सारा चीज है। आगे है, ज्यादा दवा तावीज वगैरह में मुबतला मत होइए, भैया हम भाई दवा करा दे, ये करा दे, वो करा दे, तावीज बांध दे, पहना दे, कभी नहीं दादा हमको कभी तावीज पहनाए नहीं आज तक, बोलते थे अरे तावीज उबीज को चीज पहने, अपने तावीज बनने जा ही रहे, अपने तावीज बन जाओ, समझे, तावीज को चीज पहनेगा, अपने तावीज बन जाओ, यही वजह है कि आज तक हम भी देखिए ये भी तावीज नहीं पहनते, हम भी नहीं पहनते, आज तक नहीं पहने, कभी नहीं तावीज पहने। अब रह गया कि इसका मतलब ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ नहीं होगा, होता है, होता ही है, कहीं ना कहीं किसी को बस नजर भी लग जाती है, बहुत कुछ भी हो सकता है, होने को नहीं हो सकता, लेकिन वो सब फेरम जाते नहीं रही, ज्यादा जरूरी रहे तो पहन भी लीजिए, अभी नहीं एकदम में काट के फेंक दीजिए, सो बात भी मत समझिएगा, इन्हें घर गए यहाँ से मालूम है सब तावीज फेंक दिए, सो बात नहीं, ये बात सब पर लागू नहीं होता भाई। हाँ, बहुत से आदमी ऐसा है जो तावीज पहनने करके महफूज है आज के डेट में, ऐसा मत समझिए, इसलिए उसको रखिए, असर रखता, बिल्कुल रखता, लेकिन उसके फेराम ज्यादा मत पड़िए जी। हाँ, उसके बाद है हलाल रोजी की कसब करना और हलाल खाना, हलाल खाना बहुत मायने लगता है, हलाल कोशिश कीजिए हलाल खाना। अब यहाँ पर एक बात हम कहते चलेंगे, जैसे मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लगता है कि नहीं मतलब ये हलाले हैं, लेकिन नहीं, कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ का पैसा हमको सरकार देती है या जिस चीज़ का पैसा आप ले रहे हैं ग्राहक से, तो उससे मुनासिब मुनाफा लिया जाए, पहली चीज़, या अगर जिस चीज़ के लिए पैसा सरकार आपको देती है काम को, तो उस काम को जहाँ तक मुमकिन है कीजिए, ये हलाल अपने रोजी को हलाल करने का तरीका ही नहीं कि आपको चाहे प्राइवेट नौकरी कहीं बाहर हो गया या कुछ भी, तो आप सब फाके मार रहा था हम भी फाके मार रहे हैं, ये ऐसा मत कीजिएगा, ये दूसरे को तो कुछ नहीं होगा लेकिन ये नुकसान आप ही को होगा घूम करके, कहीं ना कहीं आपको। अब इस पर एक बात देखे ध्यान में आ गया, एक अल्लामा इकबाल के पास एक आदमी आए और कहा कि एक किताब है, ये कुछ ऐसा मैटर है, उसको आप जो है ट्रांसलेट कर दीजिए जरा सा, और जितना दिन लगेगा उतना हिसाब से पैसा हम आपको जोड़ के देंगे। अल्लामा इकबाल के पास एक मैसेज आया, तो उन्होंने देखा कि भाई पढ़े लिखे तो एक्सपर्ट है, ये थे आदमी, उनको उम्मीद था कि 4-5 दिन लगेगा, 6 दिन कम से कम, वो 1 दिन में सब काम कर करके उनको दे दी, वो खबर की कि भाई आपका काम हो गया ले जाइए, वो बेचारा ऊपर नीचे देखे हुए आदमी है कि नौटंकी है बताइए, अरे इस काम को आप 6 दिन में कर सकते थे, 7 दिन में कर सकते थे, आपको ज़्यादा उजरत मिलता, 7-5 से 3500 मिलता, 3800 मिलता, 4000 मिल जाता आपको, थोड़ा धीरे धीरे करते क्या बिगड़ जाता। बोले कि नहीं ऐसा हम लोग नहीं करते, जो काम 1 दिन में हो गया, हो सकता था उसको हम 5 दिन क्यों लगा,
देखिए वो लोग बात समझ रहे हैं, तो ये सब चीज हम लोग के जिंदगी में भी उतरता है, हम लोग को ज्यादा बेहतर आगे कहता है कि खाने का भी असर रखता है आदमी, समझे कि नहीं, तो जाहिरी तौर से तो नहीं लगेगा लेकिन बातनी तौर से नुकसान पहुंचाएगा आपको। हालांकि हम लोग पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, सही बात है, कहीं ना कहीं हम लोग चूंकि ऐसा माहौल में हम लोग रह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाकी मारना ही पड़ता है, क्योंकि अगला भी साला उसी टाइप का है तो हम लोग को भी, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो बचिए, कुछ ना कुछ बेहतर कीजिए, और अगर बेहतर नहीं कर सकते हैं तो नियत तो बेहतर रखिए कम से कम, ये चीज है। आगे है दावत और मेहमान मेहमानदारी से परहेज, इसलिए हम कह रहे हैं कि दादा हुजूर को हमने अपने अपने आंख से देखा है, दावत में बहुत कम जाते थे, अगर बहुत ज्यादा जिद करता था कोई आदमी तो दावत में चले गए, हाजिरी दे दिया और वापस आ गए तुरंत, इसका क्या फायदा उनको समझ आता था, क्या नुकसान है तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ नुकसान था तभी नहीं रुकते थे, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान है, ज्यादा दावत वाली माम बेराम नहीं रही है, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो जाइए हाजिरी दीजिए। अगला है निकाह करना और घरेलू जिंदगी को जीना, निकाह हमारे यहाँ एकदम राइज है, वक्त पर निकाह, निकाह वक्त पर होना चाहिए। गोल्डन मौला अली शेर खुदा के निकाह 19 साल की उम्र में हुआ था, है ना, 19 साल या 20 साल में, हजरत अल्लामा इकबाल की शादी भी जब इंटर में पढ़ते थे 18 या 19 साल के थे तब हो गई थी, दादा हुजूर की शादी भी 18-19 साल में हो गई थी, अब्बा हुजूर की शादी भी 19 साल, हमारी शादी भी 19-20 साल में हो गई है, हमारा घर का तो ये तरीका रहा भाई, और हम सभी लोगों का सलाह देंगे कि आपके घर में भी जो बच्चे बच्चियां हो वक्त पर निकाह कीजिए, उसका एक अलग ही सवाल है कि नहीं, वक्त पर निकाह कीजिए, निकाह करना है और घरेलू जिंदगी को जीना है। मजीद गाना बजाना से परहेज, ज्यादा गाना बजाना के फिर हमने रही है, खूब कव्वाली सुन रहे हैं, खूब गाना सुन रहे हैं, सब सिंपल सिंपल कभी कभी हो गया, एक घंटा दो घंटा हो गया, जैसे वास्तव से हम रात रात भर तीन तीन रात कव्वाली होता है, तो हमारे यहाँ सब चीज नहीं रखी तो इसलिए उनको नहीं पसंद था ये सब चीज, है कि नहीं। गाना बजाना से परहेज, अशार हकीकत और मार्फत तो इश्क हुस्न से महजूज होना, अशार जो हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं ये सब चीजों को सुना कीजिए, पढ़ा कीजिए, अशार को पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए, ये सब चीज हमारे यहाँ रहेगा, और यही वजह है कि इसी में हम लोग को ज़्यादा ये भी दिख रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा बन रहा है, हम लोग चाहते भी हैं बार बार कव्वाली करवाना तो नहीं होता है, कभी कव्वाल धोखा दे दिया तो कभी स्टेज धोखा दे देता है, कभी पब्लिक धोखा दे देता है, तो कहने का मतलब कि हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, लगता है चलेगा चल पाएगा, वो मुश्किलें हैं शायद है कभी कभार, अगर हो गया तो हो गया, है ना। तो अगला है, अच्छा हाँ यहाँ पर एक बात देखिए ध्यान में आ गया, अल्लामा इकबाल का जब किताब आप पढ़िएगा कुलियात इकबाल, तो उसमें एक किताब है उसका नाम है अरमगाने हजाज, जरूर पढ़िएगा, उसमें लिखते हैं वो कि शैतान कहता है अपने दोस्तों से कि मैंने बकाया इसको, समझाया इसको और फंसाया इसको कव्वाली में, हमने शैतान कह रहा अपने अपने दोस्तों से कि देखो मुसलमान को हम कैसे कैसे फंसाए हैं, हमने समझाया उसको बाकाया उसको खानकाहों में चादरों में और कव्वालियों में, वरना कव्वाली से कुछ कमतर न थे इल्मे कलाम, वरना कव्वाली से कुछ कमतर न थे इल्मे कलाम, जो हम लोग पढ़ते हैं इल्मे कलाम जो है ये किसी कव्वाली से कम नहीं है, लेकिन इसमें आदमी ज्यादा मजा नहीं पाता, ज्यादा मजा उसमें पाता है और शैतान को उसमें ज्यादा राहत है, महा खूब मस्ती लेता है। तो कहते हैं अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इसको हमने इस तरह से दूसरे तरीके से फंसा दिया, जो कव्वाली में मस्त रहो, उसके बाद कहते हैं कि मस्त रखो इसको सुबह, मस्त रखो इसको मिजाज खान का ही में इसे, तो दूसरा शैतान कहता है अपने शैतान से, मैंने मस्जिद पूरा दिखाता है कि पार्लियामेंट लगा हुआ है, एक मंजर कसी किए नकबाल साहब और मकान हजाज में पढ़िएगा उसको, मंजर कसी किए ना उसमें दिखाते हैं कि सब जब सारे मशीरकार लोग शैतान के बैठे हुए हैं और हर शैतान एक दूसरे को मशवरा दे रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, तुमने क्या किया, हम क्या करेंगे, अब कैसे क्या करना है, अब क्या करना है, अरे पूरा पढ़िएगा तो खोपड़ी उलट जाएगा कि बाप रे बाप, कहाँ कहाँ आदमी शैतान के बकाये में फंसा हुआ, खानकाह भी फंसा हुआ है, मदरसा तो फंसा हुआ है, ये खानकाह भी फंसा हुआ है, जही देख लिए दूसरे खानकाह में,
बार चादर चढ़ रहा, गागर चढ़ रहा है, एकदम ये नजराना वो नजराना, ये चीज और वो चीज, ये ढोल ये बासा, और ताली भाइयों ने कुछ चादर चढ़ा के जागा, फिर वही सब काम करता है, कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं, काहिल मुरीद होता है, समझ में आता है भाई, बताइए। तो उस वक्त इकबाल साहब को बात याद आवेगा आपको, साला देखो कहाँ कहाँ वार शैतान किए हुए हैं, बड़का बड़का खानका को फंसाए हुए है, गलत रास्ते में लगाए हुए। मेरा कहने का मतलब इन्हें हुआ कि कव्वाली हराम है, कव्वाली हराम नहीं है, कव्वाली करना चाहिए कभी कभी, लेकिन उसका शर्त शरायत है, उसमें ज्यादा नहीं फंसना चाहिए आदमी। ये सब चीज थोड़ा सा हमको लगा कि रख दें, इसलिए रख दिया। अगला है फातहा, मिलाद और मुहर्रम को मुनक्त करना। फातहा किया कीजिए घर में, मिलाद किया कीजिए घर में, और मुहर्रम को खूब मनाइए जम के जी। हाँ, एक तारीख मुहर्रम को मनाइए जम के। समा कव्वाली सुनिए, मगर उसका एक हाथ रखिए, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं सुनिए, सुना कीजिए अच्छा है, लेकिन एकदम ज्यादा उसमें फंसना भी ठीक बात नहीं है भाई। सादा लबास पहनना, ज्यादा जिट जाट में नहीं रही, सिंपल रही, सिंपल व्हाइट नहीं, सादा मतलब एकदम व्हाइट मत समझ लीजिएगा, सादा सुदा मतलब एकदम चीप एंड बेस्ट एकदम, हाँ, ना ज्यादा महंगा हो ना ज्यादा सस्ता हो, लोगों से कम मिल जो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है मुख्तार भाई से मिलना तो मिल लेंगे जल्द, नहीं मिलना तो कहाँ जरूरत है, इतना हर घड़ी फोने करते रहना कि होलो नहीं होलो, इतना बेमतलब के, जरूरी हो तो कर लीजिए कोई बात, मिलना हो घर पे जाके मेरी खैरियत भी ले लीजिए, पता चल रहा है कि हाँ सब खैरियत है तो कहाँ जरूरत है जाने, अपना काम में रहिए, अगला भी मस्त रहेगा आप भी मस्त रहिए, है ना। सबसे ज्यादा मेल मिलाप रखना भी बेहतर नहीं है, गलत है ये सब बात, तालीम है भाई, कम मिली अपना ज्यादा ज्यादातर बेहतर होगा कि गोसाना सी रहिए, गोसाना से समझते हैं, रिजर्व रहिए, अपने आप को रिजर्व रखिए, अपना टाइम सेटअप कर दीजिए, हमको कौन घड़ी क्या करना है, कौन घड़ी क्या करना है, रिजर्व रहिए भैया, ठीक है, बहुत अर्जेंट हो मिलना जाके मिलिए, कोई आना हो आने वाला हो उसका बढ़िया से खैर मकदम कीजिए, उसको अखलाक से पेश आइए, उसको सब कुछ करिए उसके साथ, और उसको ये कमी महसूस नहीं होने दीजिए कि अगला कोई शिकायत करे, शिकायत को भी दूर कीजिए, कोई शिकायत को दूर कर दीजिए, उसको अपनी मजबूरी पेश कीजिए, बहुत आदमी क्या होता है मजबूरी नहीं कहने की वजह से गलत फहमी का शिकार हो जाता है, नहीं बताया उसको गलत फहमी का शिकार हो गया। हाँ, अगला पॉइंट आ रहा है, बरसठवा पहुँच गए जी, नजदीक है, अब हम लोग का छुट्टी नजदीक है, बताओ क्या हो गया। बच्चों से मोहब्बत रखना, बहुत आदमी बहुत खड़ूस होता है, हाँ बात तो उसका मतलब है नहीं, बच्चों से मोहब्बत रखिए, जो आदमी बच्चा नहीं खिलाता हो, हम तो कहते हैं वो मुसलमान हो ही मोमिन हो ही नहीं सकता जी। जानते हैं अखबार का घटना याद आ गया, बता रहे हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का जमाना था, आपने किसी को खिलाफत दे करके कहीं भेजा, समझ रहे हैं कि नहीं, बना करके फलना जगह का आपको हम गवर्नर बना के भेज रहे, जाइए आप वहाँ देखिएगा, जाने से पहले क्या देखते हैं कि अपने बच्चे को, अपने बच्चे से बड़ा गलत तरीके से पेश आ रहा था, अपने बच्चे से मैंने बड़ा गलत तरीके से बात कर रहा, बहुत रुखा ढंग से, जरा सा बेचारा बच्चा से कोई प्रेम नहीं, बुलाएं उनको, बोला उसको जरा बुलाएं, उनके हाथ से जो है खिलाफतनामा लेकर के फाड़ दिए, बोले हुजूर क्या किया हमको, आप वहाँ के गवर्नर बना के भेजे थे, कहा कि तुम जब अपने बच्चा का ख्याल नहीं रख सकते हो तो हमारे रियाया का तुम क्या ख्याल रखो, तुम अपने बच्चे का तो उसका खुशी और गम नहीं समझ सकते हो तो तुम रियाया का क्या ख्याल रखोगे, तुमको हम ये ओहदा नहीं देंगे, एकदम कैंसिल, दूसरा आदमी को भेज दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपको बच्चे से प्यार नहीं तो बड़ों से क्या प्यार होगा भाई, सोचिए, बच्चों से रसूलुल्लाह बच्चों से प्यार किया करते थे, यहाँ तक इमाम हसन हुसैन के साथ खेलते थे तो जानवर का बोली मुंह से निकालते थे, जैसे हम लोग कैसे निकालते हैं, बिल्ली का, चूहा का, कुत्ता का, सोचिए रसूलुल्लाह इतने बड़े हैं हस्ती के मालिक, तो बच्चा सब खेल रहे हैं खिला रहे हैं, और आप बहुत बड़े काबिल हो गए, बुतुर से बुतुर खिलाने में आपको बड़ा डर लगता है, बड़ा खराब लगता है। बच्चों से मोहब्बत, हमको तो भाई कंधा पर बैठा के घुमाया है, हम तो कंधा पर घूमने वाला आदमी, और इतना मोहब्बत हमको उनसे मिला कि उतना मोहब्बत हमको आज तक किसी से नहीं मिला, झूठ क्या कहें, मतलब इस तरीके से मतलब व्यवहार उनका रहा बचपन से, तो
तो आपका भी बच्चा आपका इतना अंगू होना चाहिए कि वो बचपन से लेकर जवानी तक बुढ़ापा तक आपको याद रखे इस तरह से, तो ना कमाल की बात है साहब। इन्हें कि मालूम बहुत से हम लोग ऐसे होते हैं कि बेटा क्या कर रहा है बेटी क्या कर रहा है, कभी हम लोग उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, कोई किसी तरह का मामला नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, तो मामला कभी कभी गवा भी जाता है। बहुत क्लोज रही है उससे, अपने बाल बच्चों से एकदम क्लोज रही है। जहाँ तक बाप बनने के बाद बाप बनी ना, बाप रही अपने जगह पर रही, लेकिन उससे ज़्यादा क्लोज रही है उससे, हर मामले में उससे एकदम नज़दीक रही है। तरीका तो यही है ना। आगे है किताबें लिखना और तहकीक करना। आप जिंदगी भर किताब लिखते रहे और हमेशा आप एक नया थॉट लाते थे और हमेशा आपकी आदत रहती थी, हमको आज महसूस हो रहा था मिलाद में बैठे बैठे ये बात महसूस हो रहा था कि ये उनके आदत में शामिल था कि कहीं ना कहीं मिलाद में चले जाते थे कभी ना कभी। अब मिलाद में जाना था, मिलाद पढ़ना था और अपना कलाम भी सुनाना था, कोई सुने चाहे तो अपना कलाम जरूर पढ़ते थे। अरे आज मैं दी आज मैं दरूँ आखिर करूँ तो क्या करूँ, जानते थे कि हमारा कलाम में कोई सुनने वाला नहीं है मगर वो पढ़ते थे जरूर। कहने का मतलब क्या हो, समझने वाला कोई मात्र है मगर ये जौक रखना चाहिए आदमी को, किताब लिखना, किताब पढ़ना, उसमें रिसर्च करना, तहकीक करना, ये हम लोगों के सिलसिले की चीज़ है, उनकी आदत में से शामिल है और हम लोगों को करना चाहिए। अब आदमी यहाँ पर थोड़ा सा ही सोचता है, नहीं बस जो लिख के चल गए हैं बस वही किताब है और कोई किताब नहीं, इससे निकलिए बाहर। ऐसा क्या सोचते हैं भाई को जो लिख के चल गए वही किताब? अरे किताब बहुत है, कहीं से कोई नया चीज़ आप सबको कह दीजिए, कहीं से कोई नई चीज़ आवे उस पर आप गौर कीजिए, इल्म का कोई कहीं इंतहा होता है। अभी लाखों करोड़ों ऐसी किताबें हैं दुनिया के अंदर जिसको पढ़ने की ज़रूरत है, हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी है? और आए दिन हम लोग देखते रहते हैं फेसबुक पर नई नई चीज़ आते रहता है, इसका मतलब क्या कि हम लोगों की पहुँच वहाँ तक अभी तक नहीं हुई है, बहुत से लोग पढ़ चुके हैं उसको, फेसबुक के जरिए हम तक पहुँच जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि नई चीज जहां से आवे उसको आप महफूज कीजिए, उसको लीजिए और सीखिए उससे, उस पर आप स्टडी कीजिए, ताकि कीजिए। हाँ मगर ये है कि ज्यादा मंजर कसी, ज्यादा साय करना और ज्यादा पब्लिश करना, ये सब फेरा में ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं? हाँ भाई एकदम हम ये कर दें, खुसूसी लोगों में तबलीग फकत जो काम हम लोग आज कर रहे हैं। हम लोगों का मकसद क्या है? सारे दुनिया में इस्लाम को फैलाना हमारा मकसद नहीं है, गौर कीजिए, सारे दुनिया में इस्लाम फैलाना हमारा मकसद नहीं है बल्कि इस्लाम हकीकी को अहल लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद, असली इस्लाम को, इस्लाम के असल जो चीज है इस्लाम के अंदर, उन चीजों को कुछ खास लोगों तक पहुंचाना ताकि वो चीज महफूज रह सके। सारा दुनिया को हम लोग को ठिकाना रहे ठिकाने मिला है, समझे कि नहीं? बड़े बड़े मजालिस से परहेज, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, ये तो है ही सब जगह, कम बोलिए, कम खाइए, मगर कहाँ रहा जाता है? बोलवे करते हैं, खेवे करते हैं और सोवे करते हैं हम लोग ज़्यादा, लेकिन इसको बदलना चाहिए, जरूरी है भाई। सुबह शाम कुरान की तिलावत करना, करते हैं हम लोग? नहीं करते। दादा हजूर की आदत थी सुबह तिलावत शाम तिलावत, हम लोग नहीं करते हैं। बाप रे बाप, सुबह तिलावत शाम तिलावत और अशार भी गुनगुनाते थे, दोनों काम करते थे। इश्किया कलाम और गजल का गुनगुनाना ये भी इबादत में शामिल है, इश्किया कलाम को गुनगुनाना, गजल का गुनगुनाना जो हम लोग करते हैं कभी कभार, अक्सर किया कीजिए, अपने से भी किया कीजिए, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? इकबालियात से इत्तफाक रखना, इकबालियात को समझना है, इकबालियात को बुझना है, उससे इत्तफाक रखने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल को तस्लीम कीजिए, उनके इशार से फ़ायदा उठाइए, लगवी शायरी बातों से परहेज कीजिए, फजूल का जो शायरी होता है वो सब करने की ज़रूरत नहीं, वो सब फेरा ज़्यादा नहीं रही, वाह वाही लूटने वाला जो शायरी होता है मार्केट में वो सब फेरा में नहीं रही ज़्यादा, हाँ फेंक भी वाला शायरी नहीं रही। अखबार, रेडियो, न्यूज़, इंटरनेट, इन सब तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ रखिए, अपडेट रहिए, अपडेट रहने इन्हें कि यहाँ तक क्या उसी बन जाइए जो था 1400 वर्ष पहले, बस फंडामेंटलिस्ट हो गए, बस जरूरत नहीं उसकी, नहीं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट होने की जरूरत नहीं है बल्कि इस्लामी स्कोप को दूर तक ले जाइए, इस्लाम को बारीकी से समझिए, हर जमाने में उसका एंगल और उसका नुकता निगाह क्या हो रहा है, कैसे चेंज होता है, इसको समझिए, अपडेट हो जाइए, बिल्कुल हर जमाने में अपडेट रहिए।
इस्लाम 1500 वर्ष पहले जो था उस फेरा में नहीं रहिए, वो इस्लाम आज कहाँ से कहाँ आ गया है वहाँ पर आइए, जमाने के अतबार से आइए, अपडेट रहिए, करंट रहिए, और बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़े तो छोड़िए, मगर हकीकत और मकसदियत को नहीं फौत कीजिए, आने वाले वक्त का इंतजार कीजिए। आखिरी शेर आखिरी है इमाम मेहदी का, हाँ इंतजार हम लोगों को रहेगा इसलिए कि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं उसके जो कर्ता धरता हैं वो खुद बखुद जिस दिन आ जाएंगे उस वक्त हम लोगों का क्या हाल होगा, जिसको जरा सोचिए। तो जी नहीं, इमाम मेहदी का जहूर होगा तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ईद का दिन होगा जी।